आज हम चलाने वाले क्रेटा ऑटोमेटिक। सीट बेल्ट फॉर योर सेफ्टी। लेट्स पुट द हैंड ब्रेक डाउन। पार्किंग से जाएगी ड्राइव पे। ऐसे कोई बात नहीं, कोई दिल्ली वो बजेगा, कोई बात नहीं, ऐसे पहनते ठीक है। तो गाइस आज हम चलते हैं क्रेटा का ड्राइव रिव्यू करने। दिस इज अ 2019 क्रेटा 1.6 पेट्रोल इंजन एसिक्स। काफी अच्छा सस्पेंशन मिल जाता है आपको क्रेटा में। सो ऑफ रोड या फिर रफ रोड में अगर आप गाड़ी चलाते हो तो बिल्कुल भी कैबिन में जो फील है, जर्क्स है, बहुत कम आते हैं कंपैरेटिवली टू अ हैचबैक और कॉम्पैक्ट सेडान और अ नॉर्मल सेडान बिकॉज ऑफ बिग टायर्स एंड लार्ज ट्रेवल सस्पेंशन। कोई भी नॉर्मल नॉइज नहीं है। ये गाड़ी चल चुकी है 79,000 किलोमीटर्स। विजिबिलिटी इज अमेजिंग, आपको व्यू बहुत अच्छा मिलता है इसमें, कमांडिंग पोजर मिलता है बिकॉज ऑफ हाई सीट। इसका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है ये नॉर्मल ऑटोमेटिक है, दिस इज नॉट AMT, दिस इज नॉट DCT, दिस इज अ टॉर्क कन्वर्टर। तो इसमें आपको गियर शिफ्ट जो होती है बहुत स्मूथ शिफ्ट होते हैं, बट यू कैन ऑलवेज डिफाइन कब गियर शिफ्ट हो रहा है बिकॉज वो आपको फील होगा, बट शिफ्टिंग बहुत स्मूथ होती है। सो कंफर्टेबल राइड चाहिए and for long term reliability AT is the best transmission you should or you can go for। cruise control bhi mil jata aapko isme, cruise set ho chuka hai, maine accelerator hata diye so gaadi chalti rahegi jab tak main brake nahi dabaunga। wapas isko aap set kar sakte ho same, you just need to set the again, aapko set button dabana hota hai is gaadi mein। पेट्रोल इंजन काफ़ी स्मूथ है इसका। इंजन के अंदर जो NVH लेवल से आई वुड से लो टू मॉडरेट है, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा आई वोंट से कि साइलेंट है बिकॉज इंसुलेशन इसके बोनेट पे नहीं दीगी। सो यू कैन ऑलवेज फील कि एक पेट्रोल इंजन है, स्मूथली रेव हो रहे, बट ये डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करता बिकॉज व्हेन म्यूजिक सिस्टम इज ऑन, आप ही गाने चल रहे तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता, बट गाड़ी में सब साइलेंट है, म्यूट पे है, देन यू कैन ऑलवेज हियर द इंजन नॉइज व्हाइल रेविंग After 2000 RPM। The best thing about the Creta is कि long journeys पे आपको fatigue नहीं होगा इस गाड़ी में, and sitting position is absolutely great in this segment। If you compare with any of the rivals, compact SUV sub 4 meter से तो बहुत ज़्यादा comfortable है ये Creta। हमारे आगे चल रही है second generation of Creta। अब इसका भी एक नया फेसलिफ्ट आ चुका है, बट इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड हैंडलिंग एंड इंजन पावर फिगर्स दिस क्रेटा इज द बेस्ट। यहाँ पे आपके ईवीएस एकदम परफेक्टली काम कर रहे हैं। सो ड्राइविंग डायनेमिक्स आर ग्रेट एज यूजुअल हुंडई है। व्हेन यू टेक टर्न्स दिस इज नॉट एज ग्रेट एज महिंद्रा XUV300 और सेडान ऑफ टोयोटा करोला काइंड ऑफ कार, बट एज एन SUV काफी अच्छी हैंडलिंग आपको मिल जाती है बिकॉज ऑफ द बिग एंड वाइड टायर्स। ये सस्पेंशन जो है थोड़ा सॉफ्टर साइड पे होता है इसका, बट अगर आप इसको बहुत ज्यादा एग्रेसिवली माउंटेन्स में ड्राइव करोगे तो यू कैन
have it in your control, but sometimes you won't feel that attached to the ground. On the other hand, driving in city and, you know, highway, straight, long routes, this is one of the best car in this segment and in this price you can think of. So basically जब आप रेव करते हो कंपेयर टू अ मैनुअल ट्रांस